नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल घर में बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश होंगे और हमारे चैनल के साथ पढ़ाई का मजा ले रहे हैं। बहुत और तैयारी वगैरह तो अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो फिर चलते हैं, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं हम लोग। और आज की क्लास में हम सबसे पहले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो आज होगा इसका नाम क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। क्या मैटर है भाई? मैटर क्या है? क्या मैटर है? सबकी लाइफ में मैटर चलता है ना कुछ। तो आज इस मैटर को देख लेते हैं, ये होता क्या है। बट हम देखेंगे इसको किसमें, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ मैटर को क्या बोलते हो आप लोग। जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे, आप लोगों का यार जल्दी से चाहिए। मैटर हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पदार्थ बोलते। कल कह रहे थे कि सर हिंदी में भी करवाओ बेटा। बिल्कुल हिंदी में भी करवाओ, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं, हिंदी में भी करवाओ। ठीक है, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं जल्दी से यार, चार बच्चे देख रहे हो जल्दी से क्लास को शेयर करो, बाकी दोस्तों को भी बुलाओ अपने यार, जल्दी शेयर करो। हरे अब गाइस यार, जोश दिखाओ अपना यार, बिल्कुल एनर्जी डाउन करके बैठे हो आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आ जाती है मैटर की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से मैटर की बात करते हैं। मैटर होता क्या है? मैटर होता क्या है? पदार्थ क्या है? तो याद रखना, मैटर वो होता है जो कुछ ना कुछ क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कुछ ना कुछ स्थान को घेरे, जिसके अंदर कुछ मास हो, जिसके अंदर कुछ मास हो, जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ इनर्सिया हो, जड़त्व के गुण हो, और जो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता हो और जिसको हम फील कर सकें, वो क्या होता है? मैटर होता है। अब कहोगे सर आपने तो बहुत सारे पॉइंट बोल दिए, इन पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल यही बात आएगी ना, इन पॉइंट्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे बेटा, मैं नोट करवाऊंगा। मैटर क्या है? विच ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कुछ स्थान को घेरता हो, जो कुछ स्थान को घेरता हो। विच हैव सम मास, विच हैव सम मास, जिसके अंदर कुछ क्या हो, भार हो, और फिर क्वालिटी ऑफ इनर्सिया होना चाहिए उसके अंदर। क्या? क्वालिटी ऑफ इनर्सिया। बेटा बिल्कुल खोल के पढ़ाऊंगा, बिल्कुल खोल के, इसका एक एक पंजर पंजर खोल दूंगा केमिस्ट्री का, टेंशन ना लो। ठीक है, बस आप लोग साथ देते रहो, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक करो यार। ठीक है, इसमें क्या है? क्वालिटी ऑफ इनर्सिया। और क्वालिटी ऑफ इनर्सिया के बाद क्या है? ये क्या कर सकता हो? चेंज कर सकता हो। किसमें? चेंज इन स्टेट। ये अपनी क्या कर सकता हो? अपनी अवस्था में चेंज कर सकता हो बेटा। और क्या? जिसको हम फील भी कर पाए, इसको हम फील भी कर पाए, विच मे बी फील। क्या लिख सकते हैं? विच मे फील, जो हम क्या कर पाए, फील कर पाए, महसूस कर पाए। विच मे, आया समझ में? इसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर को कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, हिंदी वाले सुन लो यार। अब हिंदी वाले कहेंगे सर हिंदी में तो नहीं आया, तो हिंदी में विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कुछ स्थान घेरता हो, जो कुछ स्थान घेरता हो बेटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? बहुत अच्छे। सम मास, जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ भार। क्वालिटी ऑफ इनर्सिया, जड़त्व की गुण। जड़त्व के गुण। चेंज इन स्टेट, अपनी अवस्था में परिवर्तन करने वाला, अपनी अवस्था में परिवर्तन करने वाला। विच में फील, जिसको महसूस किया जाए, जिसको
महसूस किया जाए, जिसको महसूस किया जाए। आया समझ? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल खुश होंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे यार। मैटर क्या है? मैटर की मैंने एक तरीके से मैं सीधा सीधा बताऊं बेटा, मैंने ये क्या बता दी आपको, प्रॉपर्टीज बता दी मैंने। ये क्या बता दी है? मैटर की प्रॉपर्टीज बता दी है। और प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणधर्म बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। गुणधर्म, मैंने गुणधर्म किसके बता दिए? पदार्थ के बता दिए कि पदार्थ के गुणधर्म क्या है। कुछ स्थान घेरता है जिसमें कुछ भार होता है, जड़त्व के गुण पाए जाते हैं, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो पदार्थ हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, बहुत अच्छे जल्दी लिखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस having some weight, comma, having some weight, comma, having some weight, comma, comma, quality of inertia, which may feel by our sense is known as matter। हिंदी में लिखना, पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान को घेरता है, जिसमें कुछ भार और जड़त्व के गुण पाए जाते हैं। पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान को घेरता है, जो जिसमें कुछ भार और जड़त्व के गुण पाए जाते हैं और जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। मैटर आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे इस मैटर के क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। और जो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और यहां से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ध्यान रखना बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। आप लोग आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहां देखेंगे सभी के सभी। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो एक क्वेश्चन तो है ना आपका यहीं से बन जाता है। केमिस्ट्री में दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन तो आपके पीरियोडिक टेबल से आते हैं और एक क्वेश्चन मैटर से आता है। सिंपल सी बात, ठीक है। मैंने टॉपिक तो बहुत सारे लिखवाए थे बट वो है इंपॉर्टेंट क्योंकि उन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट हम ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें, एक जनरल वे में बात करें तो आपके पीरियोडिक टेबल से दो क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका एटम वाले पार्ट से आता है या फिर मैटर वाले पार्ट से, ठीक है। बहुत अच्छे, तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से करेंगे। और अभी तक क्लास ने शेयर नहीं किया यार, आप लोगों ने जल्दी से क्लास को शेयर करो, लाइक करो यार। कितने लाइक आए हैं, हद है तुम्हारी यार, जल्दी से लाइक ठोको, बहुत बढ़िया। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। यहां देखो बेटा, हम बात किसकी कर रहे हैं? मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर की क्या करेंगे आज? क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर की क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करने वाले हैं बेटा, देखेंगे आप। मैटर की जो क्लासिफिकेशन होगी वो हम बेसिकली करेंगे दो टाइप से। कितने टाइप से करेंगे? दो टाइप से करेंगे। और वो दो टाइप कौन से होंगे मैटर के? आपको पता है केमिस्ट्री में जब किसी की भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, या तो उसको भौतिक रूप से देखा जाता है या फिर रासायनिक रूप से देखा जाता है, या तो उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी जाती है या फिर उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन देखी जाती है। ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा ही करने वाले हम लोग। यहां पर देखेंगे उसकी फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लासिफिकेशन। आप कौन से देखने वाले? फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। हिंदी में भी लिख रहा हो यार, टेंशन ना लो। भौतिक वर्गीकरण, ये क्या आपका पदार्थ? हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूंगा, टेंशन मत लेना। दूसरे इस तरफ बात करें
तो दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, कौन सा बताया था इसके अंदर, केमिकल, कौन सा बताया था, केमिकल क्लासिफिकेशन, कौन से बताया थे आपको मैंने, केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन को क्या बोलोगे, रासायनिक, क्या बोलोगे इसको, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं, इस पार्ट को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। देखो इसको है ना दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको मैटर को, पहले मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ क्लासेस ये फिजिकल भौतिक वाले, और उसके बाद करवाऊंगा मैं आपको केमिकल, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं किसको, फिजिकल क्लासेस, तो चार्ट मैं आपका कंप्लीट बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है पांच पार्ट, ये तो मैंने पूछना था बता दिया। चलो मुझे ये बताओ जनरली मैटर की स्टेट कितनी होती है, मैटर की स्टेट जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैटर की स्टेट, हाउ मेनी स्टेट आर प्रेजेंट इन द मैटर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कुल अवस्थाएं कितनी होती है पदार्थ की, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कुल अवस्था किसकी बात की गई है, कुल अवस्था की बात की गई है बेटा, आपके पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होती है, जल्दी से हरे आप, जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे, जल्दी से, बहुत अच्छे यार कमेंट नहीं आ रहे, कितने अच्छे लोग हो आप, देखो आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कितने अच्छे हो आप, बहुत बढ़िया है ना, मेरा तो मन करता ताली बजाऊं आप लोगों के लिए, कमेंट भी नहीं कर रहे हो है ना, हद है यार तुम्हारे, देखना मैटर की जो स्टेट है, मैटर की स्टेट पांच होती है बेटा, और वो कौन सी होती है, पांचों फिजिकल में काउंट होती है, कौन कौन सी होती है, ध्यान सुन लो, आपने अक्सर तीन सुनी होंगी, कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन नहीं होती बेटा यहाँ पर, कितनी होती है, पूरी पांच होती है, और वो पांच कौन कौन सी यहां देखेंगे, पहली आती है आपकी सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, पहली कौन सी है, ठोस अवस्था होती है बेटा, दूसरी बात करें सॉलिड के बाद लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट कौन सी होती है, तरल अवस्था, जिसको द्रव अवस्था भी बोलते हो बेटा, जिसको द्रव अवस्था भी बोलते हो, थर्ड कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, लिक्विड के बाद थर्ड कौन सी होती है, अरे अब गाइस जल्दी से बताओ यार, कहो कौन सी होती है, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट, कौन सी, गैसीय अवस्था बेटा, तीसरी कौन सी होगी आपकी, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। अब ये आई फोर्थ और बेटा फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ आई, फोर्थ कौन सी होती है आपकी, प्लाज्मा स्टेट होती है, ध्यान रखना बेटा, कौन सी होती है, प्लाज्मा स्टेट, कौन सी होगी, प्लाज्मा स्टेट होगी बेटा, कौन सी होगी, प्लाज्मा स्टेट होगी, ध्यान रखना, कौन सी होगी आपकी, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, हिंदी में भी इसको प्लाज्मा ही बोलते हैं, प्लाज्मा, ठीक है बेटा। अब बात आएगी इसकी लास्ट, और लास्ट कौन सी होगी इसमें, बोस आइंस्टाइन स्टेट, बोस आइंस्टाइन स्टेट बेटा, हिंदी इंग्लिश में इसको एक जैसा बोला जाता है। तो याद रखना ये टोटल क्या है बेटा, पांच स्टेट है इसकी मैटर की, या हम जनरली बोल सकते हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन में तो मैटर को किया गया बेटा पांच में किया गया, आया समझ में, पहली कौन सी होगी सॉलिड स्टेट, फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड होगी लिक्विड स्टेट, थर्ड होगी गैसीय स्टेट, फोर्थ होगी प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ होगी बोस आइंस्टाइन, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, बहुत अच्छे। अब बात आती है कि केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है बेटा दो पार्ट्स के, दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, और वो दो पार्ट यहाँ पर कौन कौन से बताए, एक तो प्योर सब्सटेंस बना दिया गया है बेटा, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध सब्सटेंस को क्या बोलते हो जल्दी से बता दो बेटा, सब्सटेंस भी आपका क्या होता है, पदार्थ होता है, ध्यान रखना सब्सटेंस भी क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है,
कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, शुद्ध पदार्थ। फिर बात आती है यहाँ पर बेटा मिक्सर की बात आ जाती है, मिश्रण की। इसकी बात आ जाती है यहाँ पर मिक्सर मिश्रण, यहाँ पर कौन आ जाता है आपका मिश्रण। अब जो ये मिश्रण होता है ये भी दो प्रकार का होता है, सुन लो यार, ये साथ के साथ बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक चीज को मैं डिस्क्राइब करूंगा बड़े अच्छे ढंग से करूंगा, टेंशन मत लो आप, बड़े अच्छे ढंग से मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो आपका मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर, और वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस, और दूसरा होता है बेटा हेट्रोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। एक होता है होमोजीनियस तो दूसरा होता है हेट्रोजीनियस बेटा। होमोजीनियस को क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? समांगी। और इसको क्या बोलते हैं? विषमांगी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलोगे हिंदी में? हिंदी वाले सुन लो यार, हिंदी वाले, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, और ये जो है आपका ये समांगी, समांगी मिश्रण। अब आपका जो प्योर सब्सटेंस है इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स के अंदर, इसको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ध्यान रखना, इसको भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और वो दो पार्ट्स कौन कौन से बन गए यहाँ पर बेटा? वो बन गए आपके, एक तो बन गया एलिमेंट, एक तो बन गया आपका एलिमेंट, और दूसरा कौन बन गया बेटा यहाँ पर? आपके कंपाउंड बन गए, कंपाउंड। एलिमेंट में हिंदी को क्या बोलते हैं? इसको तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और कंपाउंड को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? यौगिक। तो ये यौगिक होते हैं आपके, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आया समझ में? कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को फर्दर फिर डिवाइड कर दिया हमने, और कितने पार्ट में कर दिया बेटा? तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या है आपके? मेटल्स है। सबसे पहले क्या है बेटा? मेटल्स है। क्या है? मेटल्स। फिर क्या है आपके? नॉन मेटल है बेटा। फिर क्या है? नॉन मेटल। हिंदी में सुन लो यार, धातु, अधातु, धातु, अधातु, और उसके बाद थर्ड क्या है आपका? मेटलॉइड्स। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर नीचे? जल्दी बताओ मुझे, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर? फिर क्या है आपके? मेटलॉइड्स। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो ये पूरा फ्लो चार्ट है आप लोगों का, किसका? मैटर का पूरा फ्लो चार्ट। क्या है ये? मैटर का पूरा फ्लो चार्ट। फिर एक बार मैं बता देता हूं कि मैटर को, पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन में और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं कि स्टेट कितनी होती है मैटर की, तो पांच मिलती हैं हमें, वो कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन स्टेट। बात करें केमिकल के अकॉर्डिंग, केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पार्ट में डिवाइड किया, मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के अंदर हमने किसको बांटा? पदार्थ को बांटा। शुद्ध पदार्थ को फिर हमने दो भागों में बांटा, किसमें बांटा? तत्व और यौगिक में बांटा, और यौगिक दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो तत्व है, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा सॉरी एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और थर्ड क्या होता है इसके अंदर? मेटलॉइड्स होते हैं। बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड भी क्या होते हैं? दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सर मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को क्या बोलते हो? समांगी बोलते हो, और हेट्रोजीनियस को क्या बोलते हो? विषमांगी बोलते हो। ठीक है, अब बात आती है इनकी डेफिनेशन पर, इनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब मैं शुरुआत करने वाला हूँ, किसकी शुरुआत करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालेंगे आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक बार इसको जल्दी से उतारें, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से लो क्लास को क्लोज करके, और जल्दी से लाइक को ठोको यार। यार अभी तक सिर्फ 12 लाइक आए हैं, 8 बच्चे देख रहे हैं, और 12 लाइक खत है यार, तुम्हारी खत है यार। जल्दी करो यार, जल्दी करो, एक बार जल्दी करो, फिर चलते हैं आगे, जल्दी करो। बहुत अच्छे, चले आगे, बहुत एडिंग डालेंगे सभी। फिजिकल क्लासिफिकेशन
क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग? फिजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग डालो यार, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अरे अब गाइस अरे यार नहीं है क्या है? तो जोश खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया क्या? कर लो यार, कर लो, कुछ भला हो जाएगा तुम्हारे, भला हो जाएगा। हालात पहले ही बेकार चल रहे हैं, अपने हालात और बदतर मत बनाओ। आप पढ़ लिया करो भाई, बगैर पढ़े लाइफ में कुछ नहीं है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से। हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेटा, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ का पदार्थ का भौतिक पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण की बात करेंगे। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहले किसको लेंगे? सॉलिड स्टेट। फर्स्ट कौन सा रहेगा आपका? सॉलिड स्टेट। फर्स्ट कौन सा रहेगा यहां पर आपका? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। कौन सी? ठोस अवस्था। अब मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा साथ में और इन चीजों को भी बताने वाला हूं। आपसे पूछा जाए कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें, मैं क्वेश्चन बताता हूं फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप लोग। In which of followings found in a solid state, निम्नलिखित में से कौन इनमें से ठोस अवस्था में पाया जाता है? In which of following फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, निम्नलिखित में से इनमें से कौन ठोस अवस्था में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम, सेकेंड कॉपर, थर्ड जिंक और फोर्थ मरकरी। अरे अब गाइस जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, कोशिश करो बताने की, जिसको नहीं आता चिंता करने की बात नहीं, एक सेकंड में इस कंसेप्ट को ऐसा बना दूं आप लोगों के लिए, कभी नहीं बोल पाओगे ऐसा बना दूं मैं इस कंसेप्ट को, टेंशन मत लो। जल्दी से कमेंट करो आप, जल्दी से हरी अब गाइस। चलो अभी हाँ देखो, ये सारे क्या हैं आपके चेयरों के चेयरों, ये क्या है आपके चेयरों के चेयरों, ध्यान रखना बेटा, ये चेयरों आपके क्या है? मेटल। चेयरों क्या है? मेटल। तो यार मेटल तो क्या होते हैं? सारे सॉलिड होते हैं। मेटल तो क्या होते हैं? सॉरी, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फाउंड लिखना था भाई यहाँ पर, इज नॉट फाउंड, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, इज नॉट फाउंड। तो ये सारे क्या है? मेटल है। मेटल क्या होते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, बट एक ऐसा है मरकरी जो किसमें पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता। तो क्या हो गए? एल्यूमिनियम, कॉपर, सॉलिड, जिंक तो क्या है आपके? मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, बट जो मरकरी है वो बेटा क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो इन चीजों को आप कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे समझाओगे? तो यहां देखना, इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया उसका क्या रीजन था, ये तो लिखना ही है। सॉलिड स्टेट के अंदर वो होते हैं जिनके पास क्या होती है बेटा? क्वेश्चन रफ कर दो यार, आपने उतार लिया तो क्वेश्चन तो याद ही हो गया आप लोगों को, ठीक है? यहां देखना होगा, यहां देखना आप लोग,
सॉलिड स्टेट में क्या होगा बेटा? डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि डेफिनेट शेप होती है मतलब मैं बोल सकता हूँ निश्चित आकार होता है बेटा। क्या होता है? निश्चित आकार होता है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें? इसमें डेफिनेट क्या रहेगा बेटा? डेफिनेट मास रहेगा। क्या रहेगा? डेफिनेट मास रहेगा। मास के साथ ऑब्लिक डाल के क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। निश्चित भार या इसका क्या रहेगा? आयतन भी रहेगा बेटा। निश्चित भार या फिर इसका आयतन, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक दिक्कत नहीं होने वाली। सॉलिड स्टेट में कौन कौन मिलेंगे आपके? सारे मेटल्स मिलेंगे बेटा, सभी मेटल्स मिलेंगे। किसको छोड़कर? सिर्फ मरकरी को छोड़कर, जो क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका। ये क्या है? आपके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये एग्जाम्पल है आपकी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सभी मेटल्स होंगे। किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर, और वुड, लकड़ी, एयर, जो भी एक्सेट्रा, जो भी आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे, जिसके अंदर क्या हो? कुछ ना कुछ स्पेस हो। क्या हो बेटा? कुछ ना कुछ स्पेस हो, कुछ ना कुछ क्या हो? सेप हो, कुछ ना कुछ मास या वॉल्यूम दिखाई दे, वो किस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे? आपको ध्यान रखना, वो सभी आपके सॉलिड फॉर्म में दिखाई देंगे। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आगे चले, इसके बाद बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। इसकी बात करेंगे लिक्विड स्टेट की, सबसे आसान है, सबसे इजी है। इसकी बात करने वाले हैं लिक्विड स्टेट की, हेडिंग डालेंगे लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था, द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट, द्रव या बोल सकते हैं तरल अवस्था, द्रव या क्या बोल सकते हैं? तरल अवस्था। यहां देखेंगे आप, लिक्विड स्टेट वो होती है, लिक्विड स्टेट वो होती है जिसमें आकार का नहीं पता होता। लिक्विड स्टेट वो होती है जिसमें आकार का हमें नहीं पता होता, बट उसमें कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है? वॉल्यूम पाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट शेप हो जाएगी बेटा, इनडेफिनेट शेप हो जाएगी। और यहां पर क्या हो जाएगा? डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डेफिनेट, निश्चित आकार, निश्चित आकार हो गया, अनिश्चित, सॉरी इनडेफिनेट है ना, सॉरी यार ध्यान रखना, अनिश्चित, अनिश्चित आकार, और क्या हो जाएगा? डेफिनेट वॉल्यूम, निश्चित आयतन बेटा। क्या हो जाएगा? निश्चित आयतन हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से? कोई दिक्कत नहीं आपको यहां तक। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है? एक क्वेश्चन की फॉर्म तो मैं आपको सॉलिड में दिखा चुका हूं, आप दूसरी फॉर्म दिखाता हूं, क्वेश्चन किस तरीके से यहां से बन सकता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग, इन विच ऑफ फॉलोइंग, विच है, इट्स है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इन विच ऑफ फॉलोइंग विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल नहीं ऑप्शन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। यदि इस क्वेश्चन को जिसने बता दिया ना, तो मैं समझ जाऊंगा ये टॉपिक उसको समझ में आ रहा है। यदि इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सही बता दिया, मैं समझ जाऊंगा आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, जिस दिशा में मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी से बताओ यार, जल्दी से, देखो मेरी मेहनत का रंग आना चाहिए यार, देखो पसीनों में पड़ा हूं, जल्दी से बताओ मैंने किसकी बात की गई है? विच
इन विच ऑफ फॉलोइंग्स विच है डेफिनेट शेप, जिसमें क्या हो निश्चित आकार हो, उसके साथ साथ क्या हो निश्चित आयतन भी हो। तो यहां से देखो निश्चित आकार, निश्चित आकार और निश्चित आयतन, और निश्चित आयतन ये किसके उसके अंदर आ जाएंगे बेटा, ये तो किसमें आ गए सॉलिड में आ गए ना, किसमें आ गए सॉलिड स्टेट आ गई, ये तो कौन सी आ गई ठोस अवस्था बन गई बेटा, कौन सी बन गई ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में मैंने बताया कि मेटल सारे सॉलिड होते हैं, और मेटल आपका यहां पर जिंक दिया हुआ है, और मरकरी क्या था अलग था आपका, क्या था अलग था ना, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन में समझाने का मतलब क्या था कि जो मैं आपको ये सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन स्टेट बताने वाला हूं और बता रहा हूं, जो इसमें बेटा जो ये पॉइंट बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है डेफिनेट शेप होती है, इनडेफिनेट शेप, डेफिनेट होल, तो आपको स्टेट ना देकर ये चीजें आपके एग्जाम में दी जाएंगी और आपसे आंसर पूछे जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखो, इसी चीज को बार बार मैं आपको रिमेंबर याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ध्यान रखें लिक्विड स्टेट में इनडेफिनेट से डेफिनेट हो। ऐसा भी हो सकता था इसमें आ जाता कि इनडेफिनेट से एंड डेफिनेट हो, क्या करना है सिर्फ इन लगाना है इसके आगे, तो ये क्या बन जाता पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट में आ जाता बेटा, आ जाता ना लिक्विड स्टेट में। तो कंफ्यूज तो नहीं होने वाले ना आप लोग, केमिस्ट्री है ना मुश्किल इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशंस काफी होती है, क्वेश्चंस को बार बार बदला जा सकता है। देखो इन हटा दिया तो सॉलिड में आ गया, इन लगा दिया तो लिक्विड में आ गया, नॉर और नाइदर लगा दूंगा तो यही क्वेश्चन किसमें आ जाएगा गैस में आ जाएगा। तो बेटा आपको क्वेश्चन के फॉर्म को बहुत है समझने की जरूरत कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछा जाता है, और एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने लग गई ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है केमिस्ट्री में बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी नहीं होगी कोई भी समस्या परेशानी नहीं है ना। तो थोड़ा सा जल्दी देखेंगे अब यहां पर आप लोग इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल लिक्विड के बेटा वाटर, कोई भी सॉल्यूशन हुआ, कोई भी सॉल्यूशन ऑयल, ये सब कुछ किसमें आ जाएंगे आपके लिक्विड में आ जाएंगे, वो तो दूर से देखने से पता लगता है दूध हो गया पानी हो गया, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी लिक्विड में आ जाएंगे। अब बात करते हैं किसके अंदर गैस के अंदर, इसके अंदर बात करते हैं बेटा गैस के अंदर बात करते हैं गैसेस, हेडिंग डालेंगे आप लोग गैसेस, हेडिंग डालेंगे आप लोग गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट गैस की अवस्था, जो आपकी गैसीय अवस्था होती है इसमें ना तो आपका आकार होता है और ना आपकी क्या होती है इसमें आयतन होती है, नाइदर नाइदर डेफिनेट शेप, नाइदर डेफिनेट शेप neither definite shape nor nor definite volume nor definite volume neither definite shape nor definite volume, ना तो निश्चित आकार होता है बेटा इसमें आकार, और ना तो निश्चित आयतन होता है, ना तो इसके अंदर निश्चित आयतन होता है, दोनों क्या होते हैं अपसेंट। क्यों? क्योंकि यहां इसमें कोई भी सरफेस नहीं पाया जाता, कोई भी सरफेस नहीं, जो गैसियस फॉर्म में होंगी उनका क्या नहीं होगा कोई भी सरफेस नहीं होगा, कोई भी सरफेस नहीं होगा, और जिसका कोई भी सरफेस नहीं होता वो इजीली किसके अंदर चला जाता है कॉम्प्रेशन फॉर्म में चला जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है आसानी से। ध्यान रखना इस पॉइंट को काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई सरफेस नहीं होता, जिसका कोई सरफेस नहीं होता वो इजीली किसके अंदर चला जाता है कॉम्प्रेशन फॉर्म में चला जाता है, कॉम्प्रेस्ड हो जाता है बेटा, किसमें चला जाता है कॉम्प्रेशन फॉर्म में चला जाता है। आया कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना बेटा गैसियस स्टेट के अंदर सरफेस नहीं होता, सरफेस नहीं होने के कारण वो इजिली कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में चले जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं, उनको हम सिलेंडर वगैरह में इजिली
ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और गैसीय स्टेट क्या होती है? जो डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल की बात आई थी गैसीय स्टेट की, तो बेटा सभी की सभी नोबल गैसेस, सारी नोबल गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे? आपके इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? इसके एग्जाम्पल में आ जाएगी। आया समझ? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गैसीय स्टेट का, और फिर आगे बढ़ते हैं। गैसीय स्टेट का क्वेश्चन बताता हूं। इन विच ऑफ फॉलोइंग्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग्स इजीली अंडरगो easily undergo in, किसमें? Compressed form, easily undergo in, यहां तक दिखाई दे रहा है ना आपको बेटा? Compressed form, निम्नलिखित में से कौन easily किसमें चला जाता है? Compression form में चला जाता है। First option क्या होगा इसके अंदर? Zinc होगा। Second option क्या होगा इसमें? Mercury होगा। Third option क्या होगा? Oxygen होगा। और fourth ये option क्या होगा? Copper। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। क्वेश्चन में पूछा गया है इजीली अंडरगो इन कॉम्प्रेस्ड फॉर्म, जो आसानी से कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में चले जाते हैं। कौन जाते हैं कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में? जिनका क्या नहीं होता? कोई सरफेस नहीं होता। जिनका क्या नहीं होता बेटा? कोई सरफेस नहीं होता। वो आसानी से किसमें चले जाते हैं? कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में चले जाते हैं। और सरफेस किसका नहीं होता बेटा? जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो किसमें? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनका सरफेस नहीं होता। सरफेस ना होने के कारण वो किसमें चले जाते हैं? कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में चले जाते हैं। आया कोई दिक्कत? तो इनमें से गैस कौन सा है? सी, क्योंकि जिंक क्या है? मेटल है। ये क्या है आपका? नॉन मेटल, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये भी क्या है? मेटल है बेटा। तो मेटल सारे किसमें होंगे? सॉलिड में। सरफेस होता है मेटल का। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस। और गैस के ऊपर कोई सरफेस नहीं, सरफेस नहीं, तो ये किसमें गया? कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में। और ठोको लाइफ, जल्दी से ठोको। तो यहां तक कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे। और आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, और ये क्वेश्चन मैं कल आपसे क्लास में पूछने वाला हूं। ये क्वेश्चन मैं आपसे कल क्लास में पूछने वाला हूं, और आपसे क्लास से अलविदा लेने का समय तो हो ही गया है। जल्दी से क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन है वो? Which is present in all three form of matter, all three form of matter, कौन कौन से में? Solid, liquid and gas. Solid, liquid, gas. कौन है ऐसा जो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में? और इसका आंसर चाहिए मुझे कल की क्लास में बेटा, इसका आंसर चाहिए मुझे कल की क्लास में। तो आज मैं आपसे यही अलविदा ले रहा हूं। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया था, अरे शर्मा जाओ यार, शर्म किया करो कुछ तो, ठोको लाइक। जिन्होंने शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर भी कर दो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा किसका इंतजार कर रहे हो? हम आएंगे आपकी उंगली दबाने के लिए उस सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे, और फिर उस बेल आइकन पे। क्या मैं दबाऊंगा आपके नाम की उंगली? है करो यार, करो भाई, ऐसे नहीं करते, जल्दी से करो। और हम मुलाकात करते हैं कल इसी टाइम। आगे की इसमें क्लासिफिकेशन लूंगा मैं आपकी, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन रहती है उनको बताऊंगा, और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। तो बेटा बने रहिए हमारे साथ। आपकी क्लास की टाइमिंग है मैं फिर बता देता हूँ, 10 बजे सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है आप लोगों की, जोशना मैम लेती है। 11 बजे मेरी क्लास होती है बेटा। 11 बजे आपकी किसकी क्लास होती है? सुबह 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, ठीक है, केमिस्ट्री मैं करवा रहा हूँ। और 12:30 बजे मैथ्स की अल्टरनेट डेज पे क्लास होती है। एक दिन क्लास होगी तो अगले दिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेक्स्ट डे फिर आपको क्वेश्चन
आपकी मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है बेटा? तो हम मुलाकात करते हैं कल इसी टाइम इसी जोश के साथ 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने परिवार के साथ खुश रहो। थैंक यू।